स्टूडेंट, यस्टरडे वी स्टार्टेड चैप्टर सोलर सिस्टम इन क्लास सिक्स. हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था क्लास सिक्स में. व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे अबाउट सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम हम पढ़ चुके थे. सोलर सिस्टम में हम पढ़ चुके थे प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स क्या होते हैं. उसके बाद हम ये देख चुके थे कि सन, सन के बारे में हम पूरे फैक्ट्स पढ़ चुके थे. आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ये जो हमारे प्लेनेट्स हैं, हम इसमें ये देखेंगे कि जो प्लेनेट्स की फिजिकल पोजीशन, फिजिकल कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है फ्रॉम द सन से. हमने कल ये देखा था कि सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर, मतलब हेड जो है, जैसे कि हमारी फैमिली में जो हेड होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर या फादर, इसी तरह जो सन है वो क्या है, हेड है. किसका? सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम फैमिली, उसका सन हेड है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल कंडीशन, पोजीशन फ्रॉम द सन. अब हम सबसे पहले यदि ये बात करें, आपको सोलर सिस्टम जो है, प्लैनेट्स यहाँ पे देख लीजिए. दिस इज सन, दिस इज इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट. इनर प्लैनेट्स हाउ मेनी? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. उसी तरह हम आउटर प्लैनेट्स पे जाएंगे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल सी अबाउट सन, वी विल टॉक अबाउट सन. यस्टरडे ओनली आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सन. ठीक है, सन क्या है? एक सैटेलाइट अगर अपन बात करें, सन एक स्टार है. सन क्या है? स्टार है. बर्निंग बॉडी ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन एंड हीलियम. जैसे कि हम देखते हैं सन, सन क्या होता है, इज ए सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. सन के पास बहुत ज़्यादा क्या है, मात्रा में गर्मी है. सन गर्मी, तो जो सन है, सन के कारण ही जो ये अदर प्लैनेट्स हैं इनको क्या मिलती है, हीट और लाइट मिलती है. और इसकी पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम में, सन की हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. सन क्या है, हेड है सोलर सिस्टम का. वहीं हम सेकंड प्लैनेट की बात करें, हम इधर हमारे फर्स्ट सन के बाद जब हम जाते हैं, फर्स्ट जो क्लोजेस्ट है मरकरी. अब हम मर्क्यूरी की बात करें तो बेटा मर्क्यूरी एक प्लैनेट है. क्या है मर्क्यूरी? प्लेनेट है. इट कैन बी सीन ऑन द स्काई बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. इसको हम आकाश में कब देख सकते हैं, स्काई में? बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले, सूर्योदय के पहले, एंड आफ्टर सनसेट, जो जो सूरज डूबता है उसके बाद. तो ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल कंडीशन हो गई कि इट कैन बी सीन ऑन द स्काई बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. उसके बाद ये क्या है, दिस इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन. आप देख सकते हैं कि ये सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे पास में होता है सन के. ओके, इट टेक्स 88 डेज टू रिवॉल्व राउंड द सन. ये कितने पूरे सन को चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है, 88 डेज. मर्क्यूरी 88 डेज लेता है सन के चक्कर लगाने के लिए. ठीक है, उसके बाद देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एज इट टू हॉट. ये क्या है, मर्क्यूरी बहुत गर्म है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है. ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विनस की. विनस, विनस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी प्लेनेट है. ये भी क्या है, प्लेनेट है. विनस इज द मोस्ट शाइनिंग प्लेनेट ऑन द स्काई. बेटा जो विनस है ना, बहुत शाइनिंग प्लेनेट है स्काई में. ओके, एंड इट इज अ लार्ज एज द अर्थ एंड द सेकेंड मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये काफ़ी बड़ा है, जैसे कि अर्थ काफ़ी बड़ी है ना, ऐसे विनस भी बहुत बड़ा है और ये सेकेंड मेंबर है किसका, सोलर सिस्टम का. ये कितने दिन लेता है पूरे सन को राउंड करने के लिए, 225. मर्कुरी की बात करें तो 88 डेज लेता है और विनस कितने डेज लेता है, 225 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट. इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, इसकी ये भी काफ़ी गर्म होता है, तो यहाँ पे अर्थ, मतलब इस यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो. ओके, टू प्लैनेट्स. अब हम थर्ड पे चलते हैं. थर्ड आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अर्थ. थर्ड हम अर्थ देख रहे हैं. अब जब अर्थ की बात करें तो अर्थ भी क्या है, प्लेनेट है. अर्थ एक प्लेनेट है. अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट कॉल्ड ब्लू, कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लेनेट है जिसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है. ऑल सिम्टम्स ऑफ द लाइफ आर विजिबल ऑन इट. लाइफ पॉसिबल है, किस पे पॉसिबल है लाइफ, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. ओके, नाउ इट इज़ अ थर्ड मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कौन सा मेंबर है, थर्ड मेंबर है सोलर सिस्टम का. ये कितने दिन लेता है रिवॉल्व करने के लिए, 3, 6, 5, 4, 4. अंडरस्टैंड, इज देयर एनी डाउट हियर? है न,
ना, कितने अगर अपन बात करें तो ये कितने दिन ले लेगा, ये कितना टाइम ले लेगा, 365 रेस टू द पावर 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, इट इज कॉल्ड द प्लेनेट विद लाइफ एज लाइफ फाउंड इट। ये ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अर्थ, अर्थ हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं मार्स की। यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर्थ नंबर पे, कितने नंबर पे दिख रहा है, इट इज़ अ रेड कॉपर कलर्ड प्लेनेट। इसका कलर जो होता है ना मार्स का, वो रेड कॉपर होता है, रेड कॉपर कलर्ड प्लेनेट होता है। इट इज़ द फोर्थ मेंबर है, ये दिख ही रहा है हमको, फोर्थ मेंबर है सोलर सिस्टम का। उसके बाद इट टेक्स 687 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये कितने दिन लेता है, 687 लेता है, डेज लेता है पूरा सन का चक्कर लगाने के लिए। द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन इट। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि यार इस पर बिल्कुल वो कंटिन्यूस लगे हुए हैं कि हम क्या इस पर लाइफ पॉसिबल कर सकते हैं, लाइफ निकाल सकते हैं। सो दिस इनर प्लेनेट इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट आउटर प्लेनेट्स। इज देयर एनी डाउट हियर इन इनर प्लेनेट। अब हम बात करें आउटर प्लेनेट की, तो आउटर प्लेनेट हो गया हमारा जुपिटर, ठीक है। अब जुपिटर क्या होता है बेटा, जो जुपिटर होता है वो भी प्लेनेट है। जुपिटर प्लेनेट और इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट येलो इन कलर। जुपिटर का कौन सा कलर है, येलो कलर है, ठीक है। इट इज़ द फिफ्थ मेंबर, जैसे कि हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 फिफ्थ। ये कौन सा मेंबर है सोलर सिस्टम का, फिफ्थ मेंबर है। ये कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स एंड 9 मंथ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हम मान ले अप्रॉक्सीमेटली 11 महीने 9 मंथ लेता है रिवॉल्व करने के लिए, बहुत समय लेता है ये। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी लाइफ ऑन इट, यहाँ पे भी लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज सैटर्न। अब हम देखिए सैटर्न, सैटर्न प्लेनेट क्या है, सैटर्न भी एक प्लेनेट है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। ये क्या है बेटा, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। इस पर हम देखें तो ये इट इज़ नेक्स्ट टू जुपिटर, जुपिटर की क्या है, जस्ट बाद है। ये कम से कम 29 ईयर्स एंड 5 मंथ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये कितना टाइम लेता है रिवॉल्व करने के लिए, 29 ईयर्स एंड 9 मंथ ये कम्प्लीटली लेता है। ओके, इज देयर एनी डाउट इन दिस प्लेनेट। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट यूरेनस, तो यूरेनस भी क्या है, यूरेनस भी एक प्लेनेट है। अब हम यूरेनस की बात करें तो इट इज़ स्मॉलर देन द सैटर्न एंड इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ रिंग। ये जो सैटर्न होता है ना, ये वाला प्लेनेट होता है, इससे यूरेनस क्या होता है, छोटा होता है। और इट इज़ द सेवंथ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब ये सातवां मेंबर है किसका, सोलर सिस्टम का, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो अंडरस्टैंड, इज देयर एनी डाउट हियर। और हम बात करें तो इट टेक्स 84 ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कितने साल लगते हैं इसको, 84 ईयर्स लगते हैं पूरे सन की ओर घूमने के लिए, सन के आसपास घूमने के लिए। लास्ट जो हमारा बचा है वो है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, प्लेनेट है, इट इज़ स्मॉलर देन द यूरेनस। ये यूरेनस से क्या है, नेपच्यून यूरेनस से भी छोटा है। और अपन बोल सकते हैं ये एट्थ मेंबर जो कि आपको दिख रहा है इस डायग्राम में भी, आप देख सकते हैं एट्थ मेंबर दिख रहा है ये। अप्रॉक्सीमेटली 164 ईयर्स इसको लगते हैं घूमने के लिए, ठीक है। पूरा कंटिन्यू कितने में कवर करता है यहाँ पे, एक मतलब 164 साल लगते हैं इसको पूरा कंटिन्यू रिवॉल्व करने के लिए। ओके, बात करते हैं लास्ट में, इस पे भी लाइफ बेटा पॉसिबल नहीं है। ओके, इस प्लेनेट पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो टुडे व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, आई एक्सप्लेन अबाउट ऑल प्लेनेट्स, फिजिकल कंडीशन मैंने आपको बता दी, कितने डिस्टेंस है मैंने आपको ये बता दी। नाउ वी विल प्रोसीड अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा लास्ट प्लेनेट है बेटा, वो एक मून जो है, मून एक सैटेलाइट है। मून क्या है, अब हम थोड़ा सा ये प्लेनेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एट प्लेनेट्स के अपन ने पूरी प्रॉपर्टी और सब डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मून, मून के बारे में हम जानते हैं। तो मून इज अ सैटेलाइट। मून क्या है, सैटेलाइट है। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। और इट इज़ 1/4 या 1/4 ऑफ द अर्थ इन साइज। ये जो साइज़ है इसका अपन बोल सकते हैं 1/4 है, ठीक है। इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़, इसका एवरेज डिस्टेंस जो अर्थ है, धरती है, उससे क्या है, 384,000 किलोमीटर। 384,000 किलोमीटर कहाँ से डिस्टेंस है, अर्थ और मून का। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट टेक्स 7 अपन बोल सकते हैं 27 डेज एंड 7 अर्थ्स लगते हैं मून को।
ठीक है, ये धरती के चारों ओर घूमता है, इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ इन 27 डेज एंड 7 अवर्स। ठीक है, द साइंटिस्ट हैव रीच्ड द मून, आपको पता है साइंटिस्ट जो है चांद पे पहुंच चुके हैं, एंड दे हैव नॉट फाउंड लाइफ ऑन इट, और उन्होंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, मून पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल कंडीशन, डिस्टेंस आज हमने डिस्कस कर ली है। ओके, इज देयर एनी डाउट हियर? इज देयर एनी डाउट? नाउ व्हाट वी विल सी ना, अब हम बेटा बात कर लेना कि प्लूटो प्लूटो क्या है। डज नॉट कन्फर्म डेफिनेशन ऑफ द प्लेनेट एंड हैंस एज इट पर रिजोल्यूशन क्या हुआ है ना, कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी यूनियन डेटेड है क्या है 24 अगस्त, तो 24 अगस्त 2006 से इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ प्लेनेट। इसको प्लेनेट एक बोल सकते हैं, इसको इट नॉट बी कंसिडर एज अ प्लेनेट। किसको? प्लूटो को। उसकी जो इंटरनेशनल डेट है वो है 24 अगस्त 2006। ठीक है, अब हमने पूरे प्लेनेट के बारे में पढ़ लिया, अब आप आंसर बोल सकते हैं कि विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट, क्या है सबसे पास में अगर अपन देखें तो मरकरी, सबसे दूर हमको कौन सा दिख रहा है? नेपच्यून। इस टाइप के क्वेश्चन के हम आंसर दे सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना आपका, वो एक बेस रहेगा सैटेलाइट प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में हम पहले से पढ़ चुके, तो सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स विच रोटेट राउंड द सन इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। ठीक है, जैसे कि जो भी ये जो बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, ये प्लेनेट क्या है, आप देख रहे हो जो सन है, ठीक है, सन के आसपास क्या कर रही है, मूव कर रहे हैं। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडी है जो मूव करती है उस पर स्पेसिफिक ऑर्बिट पे, वो क्या कहलाते हैं? प्लेनेट कहलाते हैं। वही हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट क्या होता है? वह पाथ जहाँ पे प्लेनेट रोटेट करते हैं, ठीक है, राउंड द सन एंड सैटेलाइट रोटेट राउंड द प्लेनेट। ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता जहाँ पे प्लेनेट मूव करते हैं अराउंड द सन, और जो सैटेलाइट होती है मूव करती है अराउंड द प्लेनेट, वो पाथ को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। उसके बाद रोटेशन, रोटेशन क्या होता है? द सेलेस्टियल विच टर्न अराउंड देयर ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या? घूमना। जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी है, प्लेनेट है, वो क्या कर रहे हैं? ऑन उसके खुद के एक्सिस पे घूम रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रोटेशन। वहीं हम बात करें एक्सिस, एक्सिस क्या होती है? द इमेजिनरी लाइन लिंक द अपोजिट पोल्स। जो इमेजिनरी लाइन भी आपको दिख रही है ना अपोजिट पोल्स में, इसमें तो ये क्या हो गई? हमारी एक्सिस। सो व्हाट वी स्टडी टुडे, प्लेनेट हमने पढ़े, प्लेनेट की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, कितना डिस्टेंस है उसका अर्थ का, उस पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, उसकी फिजिकल कंडीशन, ये हम सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने आज क्या देखा? प्लेनेट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, और एग्जिस्ट क्या होता है। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड।